वॉचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। एक क्विक वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। अभी भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के लिए क्या चीज़ वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी विटामिन B12 क्यों जरूरी है आपके लिए, उसके बाद बात करेंगे क्या चीज़ें आपको चाहिए उसकी कमी को पूरा करने के लिए और कैसे आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं कि उसकी कमी ना हो फ्यूचर में। तो उसी पर है सारा वीडियो, चलिए शुरुआत करते हैं। तो विटामिन B12 जो होता है, B12 एक बहुत ही एसेंशियल विटामिन होता है फॉर योर सेल्स, वो आपकी नर्व्स के लिए, आपके ब्लड सेल के, इनफैक्ट आपके DNA के लिए बहुत जरूरी है। यूजुअली हमने सुना है कि विटामिन B12 जो होता है वो एनिमल्स में पाया जाता है, यानी एनिमल प्रोड्यूस जो होते हैं जैसे कि एग्स हैं, मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर पाया जाता है। लेकिन दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज अगर ऐसा होता और उसमें भरपूर मात्रा में होता तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उसमें इसकी कमी नहीं होती। बट आई हैव मेट सो मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स, आई थिंक ऑन एन एवरेज मेरे क्लाइंट्स जिसमें विटामिन B12 की कमी है वो नॉन वेजिटेरियन है। सो दैट्स नॉट ट्रू कि अगर आप वेजिटेरियन है तो आप में कमी होगी ही, अगर आप वीगन है तो आप में कमी होगी ही, एंड दैट इज द रूट कॉज। नो, दैट इज नॉट ट्रू। तो अगर आपके मन में किसी ने ये भ्रम डाला है क्योंकि आप वेजिटेरियन है इसीलिए आप में B12 की कमी है, क्योंकि आप डेयरी नहीं खाते हैं, आप मीट नहीं खाते हैं, अंडे नहीं खाते हैं, इसीलिए आप में B12 की कमी है, तो ये गलत है, ये अपने मन से निकाल दीजिए। नंबर टू, विटामिन B12 होता क्या है? सो जितने भी ये सीड्स होते हैं उनके अंदर विटामिन B12 होता है क्योंकि उनके सर्वाइवल के लिए विटामिन B12 बहुत जरूरी है। विटामिन B12 इज मेड बाय द बैक्टीरिया इन द सॉइल जिसे प्लांट अब्सॉर्ब करते हैं। सो जितने भी प्लांट हैं उनकी किसी न किसी स्टेज पर उनके अंदर जो होता है विटामिन B12 पाया जाता है। इन्हीं प्लांट्स को जब एनिमल्स खाते हैं तो उनकी बॉडी इसे अब्सॉर्ब करती है और इसीलिए मीट के अंदर ये ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन प्लांट के अंदर ये उस फॉर्म में नहीं होते कि हमारी बॉडी उन्हें अब्सॉर्ब कर सके। और सबसे बड़ी एक जो रिसर्च अभी हुई है जो प्रूव हुआ है कि आपका गट की हेल्थ ये डिटरमाइन करती है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी है कि नहीं है। अगर आपका गट अनहेल्दी है, अगर आपके बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया कम है, बैड बैक्टीरिया ज्यादा है, तो आपकी बॉडी विटामिन B12 को नहीं अब्सॉर्ब कर पाएगी। इनफैक्ट अगर आपका गट हेल्दी है, अगर आपका स्टमक डाइजेस्टिव प्रोसेस हेल्दी है, तो आपकी बॉडी खुद भी इसे बना सकती है कुछ फूड से। सो योर बॉडी कैन इटसेल्फ प्रोड्यूस इनफ विटामिन B12, क्योंकि बहुत थोड़ी मात्रा में आपको ये चाहिए होता है। तो अगर हम डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो एक टीनेजर अडल्ट को 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। प्रेग्नेंट वुमेन और नर्सिंग मदर यानी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। ऐसे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपसे बताया था कि एनीथिंग दैट कंटेन्स लाइव बैक्टीरिया वो अगर आपकी बॉडी के अंदर जाए, एंड इफ यू हैव अ गुड डाइजेस्टिव सिस्टम, यू हैव अ हेल्थी गट, तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी कभी नहीं होगी, आई कैन अश्योर यू। सो चलिए अभी नजर डालते हैं कि कौन से ऐसे वो फूड हैं जो आप डाइट में शामिल करें और फिर उसके बाद कैसे आप उन्हें अब्सॉर्प्शन को इंक्रीज करें। सबसे पहले कर्ड जो है, दही है। अगर आप दही घर की बनी हुई फ्रेशली सेट दही खाते हैं तो आपको उससे इनफ विटामिन B12 मिल जाएगा, लेकिन मेक श्योर कि आप उसे हल्का सा चर्न करें, लेकिन हैंड ब्लेंडर से चर्न करें। एक कप घर की बनी हुई फ्रेश कर्ड के अंदर 1.2 mcg विटामिन B12 होता है, यानी आधा ऑलमोस्ट आपका जो विटामिन B12 है वो वहां से आपको मिल सकता है। और अच्छी बात यह है कि इसका अब्सॉर्प्शन भी अच्छा होता है 50-70%, बट मेक श्योर घर की बनी हो और फ्रिज में आपने उसे स्टोर ना किया हो। ज़्यादा गर्मी है तो आप उसे मॉर्निंग में सेट करके आफ्टरनून तक खा सकते हैं। घर का बना हुआ पनीर 250 ग्राम अगर आप लेंगे उसके अंदर 1.1 अगेन अप्रॉक्सीमेटली आधा विटामिन B12 आपको वहां से मिल जाएगा जो डेली आपको चाहिए। उसके बाद फर्मेंटेड मिलेट, यानी इसे आमली भी कहा जाता है, कुक्ड मिलेट जो होते हैं जिन्हें ओवरनाइट हम छोड़ देते हैं, जो ये फर्मेंटेड मिलेट की मैं जिसकी बात कर रही हूँ आमली, वो बेसिकली हम फर्मेंट करने के बाद कुक नहीं करते, उसे हम डायरेक्टली खाते हैं, तो लाइव बैक्टीरिया ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं। फर्मेंटेड मिलेट जो होते हैं उनके अंदर 0.7 mcg होता है विटामिन B12, लेकिन अच्छी बात यह है ये लाइव बैक्टीरिया आपके स्टमक में जाके और विटामिन डी के बनाने में हेल्प कर सकते हैं और फ्यूचर में उसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए आपके गट को प्रिपेयर कर सकते हैं। जितने भी प्रोबायोटिक्स होते हैं जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर है, जैसे कि
हम ये फर्मेंट करके अचार बनाते हैं, हम फर्मेंट करते हैं वेजिटेबल्स को, कम्बुचा बनाते हैं हम लोग, तो ये सारे भी आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी को कम करने में हेल्प करते हैं। प्रोबायोटिक्स आपकी गट की हेल्थ को सपोर्ट करते हैं टू इम्प्रूव विटामिन B12 अब्सॉर्प्शन। जितनी भी फूड्स को हम जर्मिनेट करते हैं, जैसे कि स्प्राउट्स हैं, चाहे वो मूंग दाल के स्प्राउट्स हो, चाहे वो ग्रेन्स के स्प्राउट हो, वो सब विटामिन B12 की कमी को कम करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद नाउ अब मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी आपको जो हमने यूजुअल नहीं सुनी है, लेकिन उनके अंदर विटामिन B12 होता है और अगर आप डाइट में शामिल करना चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। तो उसमें नंबर वन है न्यूट्रिशनल ईस्ट। तो वीगन्स जो हैं, जो लोग डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, उनके लिए ये अच्छा है। न्यूट्रिशनल ईस्ट आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। एक टेबल स्पून न्यूट्रिशनल ईस्ट के अंदर 4 mcg विटामिन B12 होता है, यानी आपकी डेली रिक्वायरमेंट से दुगना, और इसका अब्सॉर्प्शन जो होता है वो भी ऑन एन एवरेज अच्छा होता है अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है। इसके अलावा सी वीड जो होती है, जो बेसिकली सी के अंदर काई जो लगती है उसमें वो बैक्टीरिया होते हैं, वो आपको मिल सकता है। ऐसे में नूरी सी वीड जो होती है, नूरी सी वीड पहले मार्केट में नहीं मिलती थी, 2 साल पहले जब मैंने किसी को ये रिकमेंड किया था तब उन्हें बहुत मुश्किल से मिली थी, लेकिन आज अगर आप देखेंगे अमेजन पे मिलता है, इट इज स्लाइटली एक्सपेंसिव, बट इसके अलावा बाकी जो सीवीड है, स्पिरुलिना है, और मैं आपको ये पूरे नाम देख सकते हैं, तो इनके अंदर भी विटामिन B12 आपको मिलेगा। जो ये सीवीड होते हैं, एक शीट नूरी सीवीड, अगर आपने सुशी देखा होगा, सुशी डिश जो होती है तो उसे एल्गी में ही रैप किया जाता है, तो एक शीट नूरी सीवीड के अंदर यानी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 ग्राम के अंदर 2.4 mcg होता है, यानी इससे भी आपका पूरा का पूरा हो जाएगा रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट जो है मशरूम्स, हर मशरूम में थोड़ा थोड़ा विटामिन B12 होता है, लेकिन शिताके मशरूम अगर आपको मिले, अगेन दे आर अवेलेबल ऑनलाइन, काफी वेबसाइट पर मैंने देखा है, बट दे आर स्लाइटली एक्सपेंसिव। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका गट हेल्दी है और सिर्फ आपको B12 को इंक्रीज करने के लिए इंक्लूड करना है एंड यू डोंट केयर अबाउट मनी, देन यू कैन बाय शिताके मशरूम एज वेल, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, ऑफलाइन भी कुछ ऐसे गवर्नमेंट स्टोर्स हैं जहां पर आपको मिल जाएगा। ये सन ड्राइड शिताके मशरूम 50 ग्राम के अंदर भी आपको अपने पूरे दिन का विटामिन B12 मिल सकता है अगर आपका अब्सॉर्प्शन अच्छा है, तो ये भी बहुत अच्छे हैं आपके लिए। फर्मेंटेड वेजिटेबल्स एंड टी जो होते हैं, दे आर ऑल्सो ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन B12, जैसे कि कम्बुचा है, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स जैसे कि किमची होती है, आप अपने घर पे भी बना सकते हैं, उसके अंदर 100 ग्राम में 0.8 mcg विटामिन B12 होता है। नेक्स्ट इज ग्रीन जूसेस, आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, बार्ले ग्रास है, व्हीट ग्रास है, अगर आप चाहें तो आप अपने घर के अंदर इन्हें लगा सकते हैं, किचन गार्डन में लगा सकते हैं, हफ्ते में 3 बार लीजिए, बहुत जल्दी उग जाते हैं, एक बैच फिनिश हो जाए दूसरा रेडी कर लीजिए। तो इस तरह से अगर आप ये ग्रीन फ्रेश ग्रीन्स लेते हैं बिना प्रोसेस किए हुए, घर का उगाया हुआ, तो भी आपके लिए काफी हेल्दी रहेगा B12 की कमी को पूरा करने के लिए। तो 1 सर्विंग जो है उसकी, उसके अंदर 0.4 to 0.6 mcg आपको विटामिन B12 मिलेगा, लेकिन जो ये ग्रीन जूसेस होते हैं इनका, इनसे विटामिन B12 का अब्सॉर्प्शन ह्यूमन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है, आपका सिस्टम अच्छा है, आपके गट के अंदर ऑरा अच्छा है, तो आप इसे भी अब्सॉर्ब कर सकते हैं। डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है कि आप दोनों चीजें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक अपनी डाइट में शामिल करें। प्रीबायोटिक एक तरह का फाइबर होता है जो आपकी बॉडी के अंदर जेल की तरह कन्वर्ट हो जाता है और वो आपकी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया को फीड करता है, उनका खाना बनता है, बनाना के अंदर होता है, ओट्स के अंदर होता है, मिलेट्स के अंदर प्रीबायोटिक्स होते हैं। तो ये सारी चीजें आप अपनी डाइट के अंदर शामिल करें, हाई फाइबर की डाइट रखें, प्रोसेस्ड फूड को कम करें, जितनी भी चीजें होती हैं जैसे एरिएटेड है, प्रोसेस्ड चीजें हैं, वो गुड बैक्टीरिया को किल करती हैं, उन्हें कम करती हैं। तो खाए में ये नहीं कह रही कि बिल्कुल अपनी डाइट से आप टच ना करें बाहर का फूड, आई एम नॉट सेइंग, बट कीप इट टू मिनिमल, उन्हें आप हफ्ते में एंजॉय कर सकते हैं एक बार, डोंट मेक इट अ हैबिट कि आप डेली बेसिस पे ये सारी चीजें खा रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हेल्दी फूड, वेजिटेरियन फूड फॉर विटामिन B12। आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, स्टे सेफ, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।